दोस्तों अगर हम बात करें आजकल डेटा के ट्रांसफर की या फिर पेमेंट्स वगैरह की, दोस्तों चीज़ें आजकल हम कर देते हैं काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से, एकदम कन्वीनियंटली। तो दोस्तों मैं अमन सिंह टेक्निकल एजेंडा में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों हमारा आज का एजेंडा है NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों NFC को हम कहते हैं जनरली नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब दोस्तों इस नाम से ही आपको समझ में आ जाता होगा कि हाँ चीज़ें क्या है, कैसे काम करती है। मतलब दोस्तों ऐसे कि समझ में आ रहा है कि हाँ नियर फील्ड कम्युनिकेशन, मतलब दोस्तों कि आसपास की चीज़ों में कुछ वो कम्युनिकेट करेगा अदर डिवाइसेस से या फिर ऐसे ही कुछ है। तो दोस्तों जैसे कि ये NFC जो है, ये दोस्तों बात करता है एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, मतलब इसका एक प्रिंसिपल है दोस्तों, इसी के हिसाब से ये वर्क करता है। अब दोस्तों जनरली होता क्या है कि जो NFC है ये लगा रहता है आपका जो फ़ोन का जो बैटरी है, या तो दोस्तों वहाँ पे लगा रहता है आपके दोस्तों लेटेस्ट, सपोज कि आपके बैटरी पे अगर दोस्तों NFC है तो आपके बैटरी पे वो लिखा रहता है कि हाँ यहाँ पे NFC लगी हुई है आपकी। अदरवाइज दोस्तों किसी किसी केसेस में जो NFC लगा होता है वो लगा होता है फ़ोन के NFC, एक्चुअली दोस्तों जो NFC है ये होता है एक एंटेना। किसी केसेस में वो बैटरी पे रहता है और किसी किसी केस में जो आपके फ़ोन का जो बैक पोर्शन होता है उसके इनर वाले पोर्शन पे लगा होता है, यानी जो जो आपके फ़ोन का जो बैक पोर्शन है उसका जो भीतरी वाला हिस्सा होता है उस तरफ आपका NFC लगा होता है। अब दोस्तों आप करते कि दोस्तों आपको कुछ अगर ट्रांसफ़र करना है या फिर कोई पेमेंट वगैरह कुछ भी दोस्तों अगर करना है तो इन चीज़ों के लिए आप जनरली करते क्या हो, आप दोस्तों ले जाओ अपना फ़ोन और दूसरी डिवाइस से टच करो, जहाँ मतलब दोस्तों दोनों जो डिवाइसेज हैं ये NFC कंपेटेबल होने चाहिए, तभी ये चीज़ें काम करेगी। अब दोस्तों अब मैंने कहा आपसे कि हाँ जो बहुत ही नियर फील्ड कम्युनिकेशन होती है, अब दोस्तों जो नियर फील्ड का मतलब क्या, आखिर कितना नज़दीक होने चाहिए दोनों डिवाइसेज, दोस्तों जनरली इतना नज़दीक, यानी दोस्तों वही 4 से 5 सेंटीमीटर दोस्तों अगर इतने नज़दीक हैं दोस्तों चीज़ें सीमलेसली काफ़ी दोस्तों अच्छे तरीके से काम करती हैं। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इसी के 5 मतलब सबसे अच्छे अच्छे यूज़ की, हाँ NFC को आप किस अच्छी जगह पे यूज़ कर सकते हो जहाँ मतलब जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और उसको अगर बात करें हम NFC के डेटा जो मतलब उसका जो डेटा ट्रांसफर होता है उसकी जो स्पीड है वो दोस्तों वेरी करती है लगभग 164 KBPS से लेके दोस्तों 424 KBPS तक। तो दोस्तों उसी NFC की दोस्तों पहला एप्लीकेशन निकल के आता है, वो आता है हमारा डेटा ट्रांसफ़र। अब दोस्तों डेटा ट्रांसफर दोस्तों चीज़ आपको मालूम होगा कि हाँ डेटा को हम ट्रांसफर जल्दी दोस्तों करते हैं वायर लगा के। आज भी दोस्तों हम अपने अगर मान लीजिए लेटेस्ट सपोज कि हमें अपने कंप्यूटर से कुछ चाहिए अपने स्मार्टफोन में या फिर स्मार्टफोन से भेजना है कुछ कंप्यूटर में, तो हम करते क्या है दोस्तों एक केबल लगाते हैं, एक छोर उसका मोबाइल में एक छोर उसका कंप्यूटर में लगा दिए और फिर डेटा हो जाता है इजीली हमारा ट्रांसफर। लेकिन दोस्तों चीज़ें और भी ज़्यादा सीमलेस वर्क करती है NFC को लेकर। अगर दोस्तों आप जो आपका दोनों दोनों डिवाइसेज अगर दोस्तों आपका NFC इनेबल्ड हैं तो दोस्तों अगर दोनों डिवाइस को दोस्तों आप ऐसे अगर टच कराते हो तो दोस्तों जनरली आपकी जो एक जो स्मार्टफोन जहाँ से आपको सेंड करना है उस पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हाँ इस मतलब इस एड्रेस पे आपको वो चीज़ सेंड करना है या नहीं। अगर दोस्तों आपको करना है तो वहाँ पे आप ओके करते जाओ और चीज़ों को अग्री करते जाओगे तो दोस्तों आपको जो डेटा है वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों तो दूसरी एप्लीकेशन निकल के आती है इसी NFC की, वो आती है ऐसे निकल के कि हाँ डिवाइस पेयरिंग। अब दोस्तों जैसे कि आपने एक टर्म सुना होगा पेयरिंग को लेके, काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को सुना होगा आपने ब्लूटूथ के टर्म्स में कि हाँ मैंने ब्लूटूथ पेयर कर लिया है दोस्तों, ऐसे आपने इस चीज़ों को सुना होगा। लेकिन दोस्तों जो NFC है ये भी दोस्तों पेयरिंग पे ही वर्क करता है। अब कैसे ये चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेटेस्ट सपोज कि आपके पास कोई आपका स्मार्ट ब्लूटूथ स्पीकर है या फिर कोई आपका ईयरफोन जिसमें दोस्तों जो NFC इनेबल्ड अगर दोस्तों चीज़ें हैं, तो आप दोस्तों होता क्या है कि आप अपने फ़ोन को जस्ट ले गए और अपने जैसे दोस्तों जैसे ब्लूटूथ पर जो आपका स्पीकर है उस पर अपना फ़ोन टच कराए दोस्तों, ऑटोमेटिकली सीमलेसली दोस्तों चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी। आपको नहीं जाना पड़ेगा फिर से अपने वही ब्लूटूथ अपने फ़ोन में जाके ब्लूटूथ खोले फिर जाके वहाँ पे सर्च किए कि हाँ मेरा डिवाइस ये है फिर जाके कनेक्ट किया आपने। दोस्तों इतने सारे झमेले जो हैं ये पूरे हो जाएंगे ख़त्म, पूरे एकदम खल्लास। और दोस्तों वहाँ पर चीज़ें आएंगी काफ़ी ज़्यादा सीमलेसली, अपने इसी स्मार्ट स्पीकर में गानों को सुन पाओगे और झूमते रहो गाने सुन सुन के। दोस्तों इसी NFC का जो तीसरा एप्लीकेशन निकल के आता है वो दोस्तों आता है NFC पेमेंट। अब दोस्तों आप NFC पेमेंट कर कह सकते हो, लेटेस्ट सपोज दोस्तों कि आप कभी गए शॉपिंग करने के लिए, खूब खुश हुए कि हाँ और गाड़ी स्टार्ट की चल दी दोस्तों आप शॉपिंग करने के, लेकिन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा वॉलेट या फिर पैसे हम भूल गए घर पे और थोड़ी थोड़ी दुकान पे पहुंच गए, लेकिन सामान तो हमने पसंद आ गया और अब लेना तो हमें पड़ेगा ही सामान पसंद आ गया दोस्तों, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो NFC पेमेंट को। लेटेस्ट सपोज दोस्तों कि आपने अपना फ़ोन खोला और वहाँ पे अगर दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए जैसे दोस्तों एप्पल पे है, गूगल पे है और यहाँ पे सैमसंग पे भी है दोस्तों, ऐसे तरीक़ों से आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीमलेसली वर्क करा के और वहाँ पे दोस्तों NFC वाला जो सिस्टम है आप वहाँ पे जैसे दोस्तों आप जहाँ पे पैसे को पे करते हो ना किसी भी अच्छी शॉप पे, वहाँ पे दोस्तों होता क्या ना उसमें भी एक टर्मिनल होती है
पे करने के लिए एनएफसी के थ्रू आप अगर पैसे पे करना चाहते हो तो वहाँ पे उस टर्मिनल पे आप पैसे को पे कर सकते हो। सो इस तरीके से आप पैसे जो जो आपको पेमेंट करना है उस शॉप पे वो काफ़ी ज़्यादा इजीली और सीमलेसली आप पे कर सकते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका निकल के आता है पेमेंट के क्षेत्र में। दोस्तों अब हम बात करें अगर एनएफसी के चौथे एप्लीकेशन की, तो दोस्तों वहाँ पे चीज़ें कुछ बड़ी मतलब गजब की निकल के आती हैं और आपके देखने को मिलता है इतने बिल्कुल छोटे छोटे टैक्स वहाँ पे आप करते हैं छोटे छोटे डेटा को स्टोर। अब दोस्तों छोटे छोटे डेटा जो मैं कह रहा हूँ, आखिर कैसे डेटा? जैसे सपोज दोस्तों कि आपने अपने घर पे कोई एक वाईफाई लगा रखा है लेकिन आप अपने वाईफाई का जो पासवर्ड है वो शेयर करना नहीं चाहते। दोस्तों वो जो टैग है आपने वहाँ पे लगा दिया अपने घर में किसी भी जगह पे, वहाँ पे दोस्तों आपका कोई फ्रेंड आया कोई भी आया, जैसे दोस्तों उस टैग को अपने फ़ोन में टच कराएगा दोस्तों ऑटोमेटिकली बिना किसी पासवर्ड को लिखे वो दोस्तों ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंटली ऐसे ही काम करेंगी कि जो आप उसका आपके फ्रेंड का जो फ्रेंड रहेगा उसका जो फ़ोन है दोस्तों ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा आपके घर के जो वाईफाई है उससे। दोस्तों ये तो ऐसे वर्क करता है दोस्तों। यहाँ पे ये आप जैसे मैंने बताया कि वाईफाई का पासवर्ड आप स्टोर कर सकते हो, दोस्तों और भी ऐसी कई सारी आप जो छोटी छोटी डेटा है आपकी उसको दोस्तों आप स्टोर कर सकते हो और चीज़ें आपकी वर्क करेंगी काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंटली सीमलेसली और ईजीली। तो दोस्तों अब जो एनएफसी का जो पांचवा एप्लीकेशन निकल के आता है वो आता है काफ़ी धमाकेदार बिल्कुल फटाकेदार, उसका नाम क्या है उसे दोस्तों हम कहते हैं एनएफसी बिजनेस। अब दोस्तों चीज़ें कैसे कैसे काम करती है, दोस्तों मुझे पता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, उतना ज़्यादा आपको उसका पसंद ना भी आ सकता है, लेकिन अब दोस्तों चीज़ें कैसे काम करती हैं दोस्तों, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस आपका या फिर आप किसी बैंक के ठीक ठाक पोस्ट पे मैनेजर हो, अच्छे खासे आप मैनेजर लेवल के अगर बंदे हो या फिर एक अच्छे बिजनेसमैन हो दोस्तों, मतलब आप किसी भी एक अच्छे पोस्ट पर, और आपको पसंद है अपना एक कार्ड बनाना जहाँ पे दोस्तों लिखे रहते हैं कि हाँ आपका नाम क्या है, आपका कॉन्टैक्ट क्या है, कहाँ रहते हैं, ये दोस्तों यही चीज़ें आपका एड्रेस वगैरह, मतलब दोस्तों उस कार्ड पे आपका जो इन्फॉर्मेशन वगैरह रहता है जैसे जनरली जैसे हम कहते हैं अपना बिजनेस कार्ड। अब दोस्तों उस कार्ड के ऊपर होता है क्या, उसके दोस्तों अंदर अब लगा रहता है एक एनएफसी का चिपसेट। अब दोस्तों उसमें होता क्या है, लेट्स सपोज दोस्तों कि जो आपका कार्ड है उसके बाहरी हिस्से पे तो लिखा रहता है आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट, आपका एड्रेस दोस्तों वगैरह वगैरह, तो चीज़ें आपकी होती है जो इंपॉर्टेंट आपके जो लगता है कि हाँ ये चीज़ें लिखनी चाहिए आप तो लिख देते हो, लेकिन दोस्तों अगर आपको अब उस पर तो आप पूरा भर तो सकते नहीं, अब उसमें हमें लव लेटर या फिर कोई लेटर तो लिखना है नहीं कि हाँ बस लिख के भरते जाओ, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं, वो कार्ड जो छोटा सा होता है हमारे एक ATM कार्ड जितना बड़ा होता है उसको कितने भरोगे आप। तो दोस्तों अब वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ निकल के आता है दोस्तों, आप अपने एक कार्ड बनाएं और उसके अंदर जो एनएफसी का चिपसेट लगा होता है उसको मतलब सिमिलरली वैसे ही वर्क करती है, जैसे दोस्तों जैसे ही अपना कार्ड आप टच कराओगे अपने स्मार्टफोन में वो उसको डिटेक्ट करेगा और जो बाकी का जो इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते थे अपने कंज्यूमर को दोस्तों जो भी आपका कार्ड यूज़ करेगा वो उसको सारा का सारा आपका डेटा उसके फ़ोन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो कि आपके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं होता है। दोस्तों ये चीज़ें ऐसे काम करती है और दोस्तों ये थोड़ा सा दोस्तों महंगा तो निकल के आता है, जो दोस्तों हमारा नॉर्मल कार्ड्स होता है उससे ये एनएफसी का जो दोस्तों कार्ड होता है थोड़ा सा महंगा निकल के आता है, लेकिन दोस्तों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एकदम अच्छे तरीके से सीमलेसली बिल्कुल एकदम मज़ेदार तरीके से काम करती हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों जो एनएफसी और जो एनएफसी मैंने आपको पांच गजब की यूज़ बताया एकदम धमाकेदार सटाकेदार आपको दोस्तों ये पक्का पसंद आएगा ही आएगा। और दोस्तों अगर आपको दोस्तों ये चीज़ें पसंद आई जो मैंने आपको आज आपको समझाया दोस्तों, इसी बात को लेकर जो लाइक बटन उसे खींच के दबाएं दोस्तों, आने वाले वीडियो दोस्तों अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।